मध्यकालीन भारत। 24 भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। 25 महमूद गजनी। अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अलप्तगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन था। महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताया जाता है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिन के कान से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ, जिसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। सोमनाथ मंदिर के लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। 26 मोहम्मद गौरी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहां का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी एवं चौहान के बीच ही हुआ, इसमें गौरी को विजय प्राप्त हुई। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ, इस युद्ध में भी गौरी को विजय प्राप्त हुई। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। 27 सल्तनत काल। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का ढाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया।
आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था जो एबक का गुलाम एवं दामाद था। एबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य ये हैं: एक, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। दो, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। तीन, इक्ता प्रणाली चलाई। चार, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ने चेहलगानी के नाम से जाना गया। पांच, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वो एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा एवं कुल्हा यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाना शुरू किया। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहरम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया किंतु असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ने चेहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूंग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमुद्दीन कैमूर्स था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स लूट का धन,
में राजा का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। इन्हें सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो का जन्म इटावा में हुआ था। इसे तुतीय हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद थे। 1. दीवान-ए-रियासत। ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। ये बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। 2. शहनाई-मंडी। प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। 3. बरीद। बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। और 4. मुनहियान और गुप्तचर। गुप्त सूचना प्राप्त करता था। इन अधिकारियों का क्रम इस प्रकार था: दीवान-ए-रियासत, शहनाई-मंडी, बरीद, मुनहियान। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं का परमिट जारी करता था। शहनाई-मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय-ए-अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतुह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुह सलातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुहतसिब यानी सेंसर एवं नाजिर नाप तौल अधिकारी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। 1. चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता, और 2. गढ़ी कर, घरों एवं झोंपड़ी पर लगाया जाता था। जजिया कर, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जकात कर, मुसलमानों से लिया जाता था जो एक धार्मिक कर था। ये संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। वर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी। स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक
दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित चार योजनाएं क्रमशः ये थीं: एक, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी। दो, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी। तीन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी। और चार, खुरासन एवं कराचल का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीरे कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। अफ्रीकी यात्री इन बबूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बरनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वो सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मेरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों के कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात वसूल करने के आदेश दिए। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। उलेमाओं के आदेश पर फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स शिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया।
इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायत-ए-फिरोज शाही नाम से अनुवादित कराया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अधा एवं विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगाने के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशर्शक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिजर खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिजर खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिजर खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिजर खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वो अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। वो अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इससे मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वो मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था।
केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस-ए-खलवत कहा गया। मजलिस-ए-खास में मजलिस-ए-खलवत की बैठक होती थी। बार-ए-खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार-ए-आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। एक, वजीर, प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख। दो, मुशरफ-ए-मुमालिक, महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। तीन, मजमुआदर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। चार, खजीन, कोषाध्यक्ष। पांच, आरएसएमएसएसबी, सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। इसके विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। छह, सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। सात, काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। आठ, फरीद मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। नौ, वकील-ए-दर, सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दस, दीवान-ए-खैरात, दान विभाग। ग्यारह, दीवान-ए-बंदगान, दास विभाग। और बारह, दीवान-ए-इस्तफाक, पेंशन विभाग। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे एकता कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब वली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। एकता को शिको यानी जिलों में विभाजित किया गया था। यहाँ का शासन अमील या नजीम अपने अन्य सहयोगियों के साथ करता था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर-ए-सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्रात कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के चार महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में दो बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने के मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि के नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। विभाग एक, दीवान-ए-मुस्तखराज, वित्त विभाग, बनाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। विभाग दो, दीवान-ए-कोही, कृषि विभाग, बनाने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। विभाग तीन, आरएस-ए-मुमालिक, सैन्य विभाग, बनाने वाला सुल्तान बलबन। विभाग चार, दीवान-ए-बंदगान, बनाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। विभाग पांच, दीवान-ए-खैरात, बनाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। और विभाग छह, दीवान-ए-इस्तफाक, बनाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। दस अश्वारोही बराबर एक सरे खेल, दस सरे खेल बराबर एक सिपहसालार।
10 सिपह सालार बराबर एक अमीर, 10 अमीर बराबर एक मलिक, 10 मलिक बराबर एक खान। स्थान सरस्वती, प्रसिद्धि के कारण अच्छी किस्म के चावल के लिए। स्थान अनहिवाड़ा, प्रसिद्धि का कारण व्यापारियों का तीर्थस्थल के रूप में। स्थान सतगांव, प्रसिद्धि का कारण रेशमी रजाइयों के लिए। स्थान आगरा, प्रसिद्धि का कारण नील उत्पादन के लिए। और स्थान बनारस, प्रसिद्धि का कारण सोने चांदी एवं जरी काम के लिए। 28 विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। हरिहर एवं बुक्का पहले काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सेवक थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः इन वंशों ने शासन किया, संगम, सलुप, तुलुप एवं अरावीडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमादी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया एवं उन्हें जागीरें दी थीं। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुप नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुप वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालुप वंश के बाद विजयनगर पर तुलुप वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुप वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुप वंश का महान शासक कृष्ण देव राय था। वो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुतिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर की यात्रा पर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यात एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़े या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 25 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर
शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अरावीड वंश 1570 से 1650 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अरावीडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अरावीडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए क्रम में इस प्रकार था: प्रांत मंडल कोट्टम या वलनाडु, जिला नाडु, मेला ग्राम 50 ग्राम का समूह और फिर ऊर यानी ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवांशिक होता था। ये पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग थी। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रत्त कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि। कुटग्गी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुटग्गी कहा जाता था। कूदी वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कूदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्चाधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। चिट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश वग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री यात्री एक निकोलो कोंटी, देश इटली, काल 1420 ईस्वी, शासक देवराय प्रथम। यात्री दो अब्दुल रजाक, देश फारस, काल 1442 ईस्वी, शासक देवराय द्वितीय। यात्री तीन नूनिज, देश पुर्तगाल, काल 1450 ईस्वी, शासक मल्लिकार्जुन। यात्री चार डोमिंग पायस, देश पुर्तगाल, काल 1515 ईस्वी, शासक कृष्णदेवराय। और यात्री पांच बारबोसा, देश पुर्तगाल, काल 1515 से 16 ईस्वी, शासक कृष्णदेवराय। 29 बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाई। इसने अपने साम्राज्य को चार प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना
ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। 1417 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों तरफों या अतरफों के प्रांतपति यानी तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। एक दौलताबाद का तरफदार मसनदे आली, दो बरार का तरफदार मजलिसे आली, तीन बीदर का तरफदार अजामे हुमायूं और चार गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब। बीजापुर गुलबर्गा तरफ में शामिल था। ये सबसे महत्वपूर्ण तरफ था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों में संबंधित विवरण इस प्रकार है। राज्य 1 बीजापुर, वंश आदिल शाही, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, स्थापना वर्ष 1489 ईस्वी। राज्य 2 अहमदनगर, वंश निजाम शाही, संस्थापक मलिक अहमद, स्थापना वर्ष 1490 ईस्वी। राज्य 3 बरार, वंश इमाद शाही, संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह, स्थापना वर्ष 1490 ईस्वी। राज्य 4 गोलकुंडा, वंश कुतुब शाही, संस्थापक कुली कुतुब शाह, स्थापना वर्ष 1512 ईस्वी। और राज्य 5 बीदर, वंश बरीद शाही, संस्थापक अमीर अली बरीद, स्थापना वर्ष 1526 ईस्वी। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसे 8 प्रधानमंत्रियों को सुपुर्द किया, जो इस प्रकार हैं। 1 वकील उस सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान। 2 वजीर कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। 3 अमीर जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। 4 वजीर अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन। 5 नाजिर, वो अर्थ विभाग से संबंधित था। 6 पेशवा, वकील के साथ संयुक्त था। 7 कोतवाल, पुलिस अध्यक्ष। और 8 सदरे जहां, न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। बहमनी वंश के अन्य प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 ईस्वी, दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी और सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी। 30 स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने की थी। ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402 ईस्वी, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 ईस्वी, महमूद शाह 1436 से 51 ईस्वी और
हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। शर्के शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत की सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्के सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह शर्की के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम शर्की के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1349-40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुद्धशिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राज तरंगिणी को फारसी में अनुवादित कराया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को तीन भागों में विभक्त किया। लखनौती उत्तर बंगाल, सोनार गांव पूर्वी बंगाल तथा सतगांव दक्षिणी बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। मालवा। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खान हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे
दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने 1401 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की अधीनता को त्याग दिया। जफर खान सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 1452, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चम्मानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गोहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गोहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदियों वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें जीत अकबर की हुई। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खान देश की स्थापना की। खान देश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया।